एक्स वाला जो ऑर्डर करना है डीसी मोटर इंटरफेसिंग लाइट लो टू विद ऑडियो वो आप 8051 के साथ भी कर सकते हो। सिमिलरली एलईडी का भी आप ऑडियो के साथ भी कर सकते हो। जब भी आपको टाइम मिलेगा यू कैन डू दिस अल्टरनेट चेंजेस। एक मॉडल हम 8051 लेके एक मॉडल हम 2000 के बाहर बहुत कम रहेगा।
एक दोनों साइड के एक ही इसमें लगा ऐसी लगाएं स्विच बीच में, एक साइड के दो रहेंगे टर्मिनल, उसमें एक टर्मिनल और दूसरे में दूसरा टर्मिनल। ये पूरा हो रहा है लेकिन सर वही तो चाहिए नहीं ना, इधर आया तो तुरंत इसने दो का चालू करने को रहा, देखो अभी इसे सिंगल डाल पूरा होने के बाद दो का, ठीक है? ऐसा नहीं होना ना, इधर भी आपको ऐसे होगा। आप सभी लोगों ने अभी 8051 के साथ एलईडी इंटरफेस किया, एलईडी ब्लिंकिंग, एलईडी रोलिंग, इंटरफेसिंग ऑफ स्विच एंड एलईडी एंड डिफरेंट कंट्रोल्स। नाउ व्हाट यू वांट टू डू, अभी अपने को जो आर्डिनो में हमने कल सिमुलेशन किया था उसके अपने उसको भी अभी देखो हार्डवेयर में करना है। ओके, सेम एग्जांपल्स, दैट इज स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर एज वेल एज डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। अगेन वी विल ऐड मोर वन मोर थिंग कि अगर स्विच प्रेस किया तो मोटर की स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, स्विच ओपन किया तो मोटर की स्पीड डिक्रीज होनी चाहिए। स्विच प्रेस किया तो मोटर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, स्विच ओपन करने के बाद शुड बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट वी गो टू डू। ओके, द सर्किट इज अवेलेबल ओवर हियर। सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव कनेक्टेड ओनली सिंगल मोटर, सिंगल डीसी मोटर, सो लेट अस से हैव कनेक्टेड पिन नंबर 30, यूज पिन नंबर 13 एंड 12। ओके, सो आई एम कनेक्टिंग पिन नंबर 13 टू इनपुट 1 एंड पिन नंबर 12 टू इनपुट नंबर 7। ओके, दिस सर्किट डायग्राम इज अवेलेबल विद यू आल्सो, आपके पास भी अवेलेबल है और यहां पे ड्रॉ की है। ओके, उसके बाद मोटर आपने कनेक्ट करना है आपको पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6 के बीच। ओके, देन यू हैव टू राइट सम लॉजिक। लेट अस से फर्स्ट सबसे पहले स्टार्टिंग में करना सिंपल फॉर रोटेटिंग द मोटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सिंपल प्रोग्राम। अगर वो अच्छे से हुआ होगा देन मूव फॉर नेक्स्ट वन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन मूव फॉर वेरिएशन इन द स्पीड, देन विद द स्विच वेरिएशन इन द स्पीड। इस तरीके से आपको जाना है। पहला क्या करोगे, राइट अ प्रोग्राम टू रोटेट द डीसी मोटर इन सिंपल क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट, इफ यू इफ इट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट शोस दैट योर कनेक्शन इज ओके, ओके योर हार्डवेयर इज प्रॉपरली वर्किंग, देन मूव फॉर द अदर कॉम्बिनेशंस। ओके, और उसके बाद ही उसको ऑन करना है। Next, group 2. आपके पावर सप्लाई का ग्राउंड और ऑर्डिनो का ग्राउंड ये आपको
कॉमन करना पड़ेगा, तब जाके आपका सर्किट प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी यहाँ पे 5 वोल्ट की पिन होगी, यहाँ पे ऑरिजिनल में 5 वोल्ट पिन एंड 1 ग्राउंड पिन इज आल्सो देयर। तो जब आप पावर सप्लाई यूज करोगे 12 वोल्ट पावर सप्लाई, इसमें पॉजिटिव पिन, दिस इज नीडेड टू ग्राउंड पिन, इसका ग्राउंड और ऑरिजिनल ग्राउंड यहां को कॉमन करना पड़ेगा। ओके, देन यू हैव टू फिट टू द रिस्पेक्टिव पिंस। और ये जो 5 वोल्ट है, यहां से 5 वोल्ट डायरेक्ट है ना, और ये 12 वोल्ट जो है वो पावर सप्लाई से जस्ट लाइक दिस। ओके, नोटबुक आपकी कॉपी में अवेलेबल रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप वहां पे देख के बना रहे हो पूरा सर्किट। कर दिया तो आपको पता है क्या होगा। ओके, तो पिन नंबर 16 यू हैव टू कनेक्ट टू 5 वोल्ट एंड पिन नंबर 8 यू हैव टू कनेक्ट टू 12 वोल्ट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम पावर सप्लाई। तो
Thank you.
काम कर रहा आज वो डिजिटल डेटा का हां दोनों है इनपुट वाला यूज करा था लेकिन तुमचा जो प्रोग्राम कुछ नहीं चल रहा है कि थोड़ा ना कॉन्स्टेंट स्विच पिन 10 स्विच स्टेट 0 अच्छा वो सैम्पल प्रोग्राम आपने लिया है वो सिंटैक्स लगता है आपको और वो यूज़ करना उसमें ठीक है स्विच स्टेट इक्वल टू डिजिटल रीड स्विच पिन इफ स्विच स्टेट इज इक्वल टू हाई प्रोग्राम इसको स्विच को डिफरेंट किसमें कनेक्ट किया हाँ लेसन ये किसका आउटपुट नहीं आ रहा इधर आ रहा है ठीक है मैंने आपको अभी जो बताया कि बेसिक बटन वाला जो प्रोग्राम इन्होंने वैसे किया उसका सिंटैक्स एम पे से लिया तो एग्जांपल से सेम है देखो सबसे पहले कांस्टेंट स्विच इक्वल टू 10 उन्होंने एक पिन डिफाइन किया जैसे पिन नंबर 10 को स्विच कनेक्ट करना है पिन नंबर 10 इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया ओके स्विच उसको नाम दे दिया स्विच पिन आप कुछ भी नाम दे सकते हो बेसिकली उसके बाद int switch state equal to 0 दूसरा एक वेरिएबल लिया सपोज मैं लिखता हूँ int b equal to 0 इसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी 0 ओके देन दिस इज वर्ड सेटअप डिक्लेरेशन ऑफ दिस पिन दिस पिन इज इनपुट इनटू दिस शो ऑन फोर हमने प्रोग्राम में क्या लिया ठीक है इसके बाद void loop switch state अभी इनिशियली स्विच स्टेट आपने क्या डिफाइन किया था जीरो अभी यहाँ पे क्या लिखा मैंने स्विच स्टेट इज इक्वल टू डिजिटल रीड स्विच पिन मीन्स वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन द पिन नंबर 10 दैट विल बी ट्रांसफर टू स्विच स्टेट विच इज इनिशियली जीरो बट जब आप वहाँ की बटन प्रेस करोगे तो वहाँ का स्टेटस जाएगा स्विच स्टेट वेरिएबल में ठीक है और फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ स्विच स्टेट इक्वल टू हाई यानी इसका मतलब अगर बटन प्रेस है देन योर दिस इज अ लॉजिक फॉर रोटेटिंग द मोटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन else the motor will rotate in the anti-clockwise direction and this loop will continue so if I press switch then the direction will be this okay samajh gaye samla lo sir 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 मैं connections पहले मला दाखवा कोणाला तरी दाखवा त्याच्यानंतर तो चालू करायचं इसमें गियर बॉक्स इसमें तो गियर बॉक्स है यार धीरे धीरे घूम दिन बट इट इज डिफिकल्ट अरे कुछ जो भी बड़ा कुछ बनाने का देखो क्या होता है इसमें स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय सम फैक्टर जैसे इसका आरपीएम अराउंड 1200 आरपीएम की मोटर रहती है इसको अगर गियर बॉक्स किया जाए गियर बॉक्स लगाने में यूसेज को 10 आरपीएम और 20 आरपीएम बराबर है कितना फैक्टर होगा 1200 से 10 120 तो अगर तुम इसकी स्पीड कंट्रोल करते हो तो मान लो 1200 के 800 करते हो तो रिड्यूस होगी कितना मिलेगा वेट नहीं मिलेगा तो 10 का कितना होगा 7.2 तो भी होगा तो 3 आरपीएम का डिफरेंस मेजर करना है डिफिकल्ट
1200 का 800 हुआ तो वो विजिबल रहेगा एकदम, लेकिन 12 का अगर 7.5 होता है तो वो डिफिकल्ट रहेगा। अच्छा अगर नहीं दिखता है तो वी कैन यूज दी टेकोमीटर वाले सुन रहे हैं। फिट करना
Gracias.
नहीं करने का करंट को जाने दो, ये करंट निकलने की गेट है, वो गेट बंद कर दिया तो करंट अगर नहीं निकलेगा तो उसको पावर नहीं मिलेगा। ये देखो अभी वो पूरा नहीं घूम रहा, पूरा घूमता है तो हवा निकलती है उसमें से, घर से ऐसे था पाप हाँ। ये देखो ये इसकी हवा लग रही ना, ये फैन है, ये किस पे रहता है, वो सीपीयू के ऊपर रहता है, वो पूरे हीट फ्रेश कर लेता है। मे बी उसका कुछ रेटेड स्पीड 2000 आरपीएम वगैरह होगा, उसका वोल्टेज कम किया तो स्पीड कम होती है, तो इस पर ईजीली मिलेगा तुमको, लेकिन उसका इनर्शिया जो है 3 वोल्ट से वगैरह का काटा काम है। कितने वोल्ट वाले कुछ लिखा है कि देखो सर, ये 3 वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, 3.2 वोल्ट के पहले वो घूम नहीं रही है, इसका मतलब क्या है, उसका जो इनर्शिया है उसका बैरिंग वेरिंग होगा, कुछ भी फ्रिक्शन, उसको ओवरकम करने के लिए उसको मिनिमम 3 वोल्ट लग रहा है, उसके बाद में वो घूमना चल रहा है, एंड देन यू इंक्रीज इट अप टू कितना है 12 वोल्ट के ऊपर जाओगे धुआं निकलेगा तो 500 रुपये। कितना आ रहा है 200-300 RPM करो।
रेजिस्टेंस डाल है क्या 10 डिग्री रेजिस्टेंस है एक काम करो 10 डिग्री का रेजिस्टेंस डालो उसमें वहां पे सर्किट बनाओ या ऐसा देखो वीसीसी देन रेजिस्टेंस 10k ओके दिस पिन कनेक्टेड टू योर पिन लेट अस से पिन 10 ऑफ आर्डिनो एंड हियर यू जस्ट कनेक्ट स्विच पुश बटन दिस इज ग्राउंड यहाँ पे जो मोटर
घूम रही है यहाँ पे, फुल स्पीड में घूम रही है स्टार्टिंग में, ओके। जो 12 वोल्ट है उसको जितना आरपीएम मिलेगा, डीसी एवरेज वैल्यू मिलेगी, उसके हिसाब से मिलेगा। ओके, जब मैं स्विच प्रेस करूँगा तब माई पीडब्ल्यूएम प्रोग्राम विल वर्किंग, ओके, इन विच आई एम ड्यूटी, माई ड्यूटी साइकिल इज ओनली 10%। सो ऑब्वियसली अगर ड्यूटी साइकिल 10% रहती है तो हमने देखा था डीसी एवरेज वैल्यू वोल्टेज विल बी रिड्यूस, एंड इफ डीसी एवरेज वैल्यू विल बी रिड्यूस देन अल्टीमेटली स्पीड विल बी रिड्यूस। व्हेन आई प्रेस दिस स्विच देन इट विल रोटेट इन द लेस स्पीड बिकॉज ऑफ पीडब्ल्यू, और जैसे मैं स्विच को ओपन कर देता हूँ फिर से वो स्पीड पर। डिपेंड्स ऑन टाइम ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल कम रखूंगे मीन्स ऑन टाइम बहुत कम रखूंगे तो आउट ऑफ टोटल टाइम वियर मोटर स्पीड विल बी लेस, ओके। टोटल टाइम लेना 10, 10 को डिवाइड करना दो पार्ट में, ठीक। जैसे अभी अगर मैं ये वही अगर मैं यहाँ पे ड्यूटी साइकिल चेंज करता हूँ तो आपको दिखेगा स्पीड वेरिएशन। 7 करता हूँ उसको, 70% ड्यूटी साइकिल, उसको मैं 3 कर देता हूँ। स्पीड वेरिएशन में कोई दिख नहीं रहा, बट इफ योर ड्यूटी साइकिल इज 10% यू कैन डिफरेंशिएट अगेन, उसको और कम कर सकते हो 0, वी कैन और प्रीसाइज हो nearly 1%, तो इनर्शिया के लिए जितने मिनिमम टाइम चाहिए उससे भी कम टाइम के लिए करोगे तो उसको इनर्शिया नहीं मिलेगा, ऑन ऑफ होना रुकेगा, रुका ही रहेगा उसको, सामने जाने से पहले फिर से 0 पल्स आएगा, सामने जाने से पहले फिर से 0, तो आगे नहीं वो मोटर घूमेगी, उसको थोड़ा सा रोटेट होने के लिए इनर्शिया पकड़ने के लिए जितना टाइम चाहिए मिनिमम उतना डिले, एकदम कम करोगे तो वो हो गए। अरे देख वो कागज था ना वो तुमने वो उस पर लगा।
होमवर्क करो ऑल ऑफ यू, सभी लोग ध्यान दो इधर। होमवर्क में क्या करना है कि अगर बटन प्रेस है तो योर स्पीड विल बी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। इफ बटन इज रिलीज देन मैक्सिमम स्पीड इट स्टार्ट एंड इट विल ग्रेजुअली डिक्रीज, दैट इज होमवर्क फॉर यू। मीन्स अगर बटन प्रेस करते हो तो स्पीड जीरो से धीरे 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 बढ़ती जाएगी। मैक्सिमल देना पहले ऑन टाइम को इंक्रीज कर देना है, ऑन टाइम को उसी रेट से कम करना है, एग्जैक्टली वो सीन आ रहा है। ठीक है, कल आने से पहले ये आपकी कॉपी में एटलीस्ट कॉपी में तो भी रहना चाहिए। ओके, पहले कितना था? 156 डबल